जनपद के विकास कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी के विजन पांडियन की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी के विजन पांडियन ने विकास कार्यों के साथ निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता पर विशेष बल देते हुए कहा कि कार्य मानक के अनुरूप होने चाहिए और कार्यों का सत्यापन व गुणवत्ता की जाँच भी कराई जाए। उन्होंने कहा कि कार्यों में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने चिकित्सकीय व्यवस्था, साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकों की उपस्थिति के निर्देश देते हुए कहा कि बीमारी की रोकथाम के लिए निरंतर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आपका रोस्टर कब से है? रोस्टर सर सभी हमारी चल रही है 15 से, अभी तो गंडक जो है 16 से थी। ये अभी तो गेहूं के लिए पहला वो पानी तो देना स्टार्ट होने के लिए कब से थे, कब देंगे? तो चालू हो कार्यवाही चल रही है सर, क्योंकि नहीं वो आ गई है सर वेबसाइट। ये तो विभिन्न विभाग से कह रहा हूँ मैं, तो आरसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो ये विभिन्न विभाग का पिछले भिन्नता था सर, बहुत लोग कह रहे थे इस पे तो अंतर था काफी, जो विकास विकास कार्य वाले भी देखा ना इसका सर, ये सही मेरा विभाग नहीं सर, विभाग वाला अभी सर खड़ा होकर बता रहा था सर, ये विभाग वाला अभी भी सही नहीं है सर, नहीं सर वो इसलिए कि अभी कोड मिल गए हैं, कोड डाल दिए हैं, अगले मास्टर डाटा में क्लियर होकर आ जाएगा सर, हर एक विभाग का अलग अलग कोड दे दिया है सर अब, तो उसके कोड से फिर जो ना फिल्टर लग जाएगा, लेकिन अभी एग्जैक्ट नहीं है सर। सबसे बड़ा बकाया सर आप प्राथमिक शिक्षा का बता रहे हैं सर, प्राथमिक शिक्षा का सबसे बड़ा सबसे ज्यादा बेसिक शिक्षा सर, इन्होंने इसकी स्थिति ये है सर थोड़ा सा मुझे विभाग के लिए कि इनका पैसा ही नहीं आया अभी तक, पैसा ये तो है यहाँ पर, और अब एक नियम थोड़ा सा और बदलाया है उनका था कि पैसा नहीं पिछले साल तो आया था, पिछले साल तो नहीं था यहाँ, पिछले पूरे साल तो मैंने देखा है लगभग सर। पेमेंट क्या वहाँ से सेंट्रलाइज आता है क्या, अलग अलग विद्यालय में बनाना पड़ता है वहाँ से सर? सेंट्रलाइज ही आएगा इनके निदेशालय से, आया था कभी नहीं तो अपना डिमांड तो भेजा जाता है वहाँ सीधे आपको, डिमांड आपने भेजी कब भेजी? डिमांड भेजा भी उसी पहुंच गया था हम लोगों के पास में, तुम तो तुम्हारा पास पैसा नहीं तो डिमांड राइज करो, वहाँ बात करेंगे वहाँ, तो डिमांड गई कब गई उससे काफी हमें दिलवा दो, तो हम ये सभी लोग से लेटर आप लिखवा दीजिए नोडल साहब, आप ही आपको 25 करोड़ रुपया का तकरीबन बकाया केवल सरकारी विभाग से, ये पैसा तो आपका आराम से जमा हो जाएगा, बहुत लोग विभाग के पास पैसा होगा और किसी का और पैसा चाहिए तो डिमांड करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है बट बिल सही दे दीजिएगा, पूरे जिले में मुश्किल से 5 या 6 चलती है सर, और वो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट 2 या 3 दिन में क्लियर हो जाती है, तो इसलिए